सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस नहा धो के रेडी मैं हो चुका हूं और अब करने लगा फटाफट से ब्रेकफास्ट और फिर मुझे जाना है सेक्टर 26 चंडीगढ़। और 26 सेक्टर में काफ़ी बार व्लॉग में आपको दिखा भी चुका हूं और आज मैं थोड़े से काम से जा रहा हूं। वहाँ पर क्या काम है वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, रैपिडो बुक करते हैं और फिर चलते हैं सेक्टर 26 चंडीगढ़। गाइस मैं आया हूँ 26 सेक्टर चंडीगढ़, हरियाणा वालों की शॉप है यहाँ पर, क्योंकि मुझे हींग लेनी है। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो और खाना वगैरह सबके घर में बनता है तो इनकी हींग लेके एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत औसम है। मुझे मेरी सबसे बड़ी बुआ ने बताया था, उसके बाद मैं काफ़ी बार लेके गया और काफ़ी लोगों को बताया मैंने। अभी भी किसी के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने सजेस्ट करी थी। बहुत ज़बरदस्त हींग है, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी डालने की जरूरत पड़ती है और ये ना क्ले वाले फॉर्म में होती है, सॉफ्ट वैसी नहीं होती जो आम शॉप्स में मिलती है, काफ़ी अच्छी और प्योर फॉर्म में मिलती है। थोड़ी सी कॉस्टली होती है, मतलब कॉस्टली होती है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और मैं लेता हूँ अब जाके। अब सही करा, एक साइड से इन्होंने व्हीकल की एंट्री बैन कर दी ना, दूसरी साइड से ही रखी क्योंकि इस वजह से ना बहुत ट्रैफिक हो जाता था। अब वहीं से एंट्री, वहीं से एग्ज़िट। मुझे हरियाणा जनरल स्टोर से लेना है सामान, यानी हींग। ये इतनी सी हींग, ये 250-300 ग्राम हींग है, ये है कम से कम मान के चलो 800-1000 रुपये की हींग है ये। और पर खुशबू दो लिफाफों में और बांधोगे ना उसके भी बाहर तक आएगी। ये देखो सॉफ्ट है, मतलब सेमी सॉलिड टाइप की है, वैसी नहीं है जो हमारे घरों में पड़ी होती है। इसको खुद पीस के मतलब दाने बराबर डालना पड़ता है और खाना मस्त हो जाता है, तो इसलिए ये मंगाई थी मासी ने, क्योंकि उनको बाहर भेजनी है कनाडा, तो उनको थोड़ी चाहिए भी थी और थोड़ी बाहर भी भेजनी है। मैं कहा मैं वो हींग की बात करते, बढ़िया होती है बड़ी। मैं कहा मैं अपने वहाँ से लाऊंगा, फिर देखना आप कि बढ़िया है या नहीं है। तो मैं इस काम से आया था यहाँ पर। हर जगह ना ऐसे गेट्स वगैरह लगा दिए और अब देखो इसकी वजह से रश कितना कम हुआ। यहाँ पार्किंग लगती थी पहले यहाँ से एंटर होने में 20 रुपये, तो वो पार्किंग भी हटा दी और क्राउड सीरियसली बहुत ज़्यादा कम हो गया यहाँ पर, क्योंकि हर जगह ना बैरिकेडिंग सी कर दी परमानेंट, कि कुछ ही लेन थे जिसमें ट्रक्स वगैरह जा सकते हैं और एक साइड से जाएंगे एक साइड से निकलेंगे, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है। तो क्राउड बहुत ज़्यादा कम है पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब चलते हैं घर, आपको घर पहुँच के मिलता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं और मम्मी शॉपिंग करने आए थे तो पापा की टी शर्ट्स लेके गए थे, तो उसमें से ना पापा की ग्रे वाली टी शर्ट आई जो मैंने डाली ना, वो बहुत अच्छी लगी। पापा कह रहे थे यही तू ले जा, पर मम्मी ने बोला तू ऐसी एक और ले आ जाके। तो एक टी शर्ट अपनी और एक टी शर्ट और पसंद आई थी पापा को, तो वो लेने जा रहे फाइनल शॉपिंग। इसके बाद और कुछ नहीं लूँगा, गर्मियों का हो गया ख़त्म, बस माँ पास मेरे पास बहुत कपड़े हो चुके हैं बस, अब तो फाइनल शॉपिंग रहेगी मेरी मोहाली से। दिल्ली जाके दिल्ली का देखेंगे। इस बार तो शॉपिंग करने के लिए इतनी बार बेस्ट है आ गया भाई साहब, बहुत बार बेस्ट है दिखा दिया व्लॉग्स में इस बार, तो इनको मुझे कोई कमीशन देनी चाहिए। इस बार तो रिलायंस ये ट्रेंड्स वालों को भी कूपन का पूरा फ़ायदा उठाया मैंने, तो पूरा फ़ायदा उठाया। ये दो टी शर्ट्स लेने आया था, ये पापा ले चुके हैं, मैंने अपने ले लिए, ये पापा के लिए। काफ़ी अच्छी लग रही थी टी शर्ट, घर वालों को मेरे ऊपर तो कहते ये ले आ तू। शॉपिंग तो हो गई थी मेरी डन फटाफट से और मैं मॉल में नहीं घूमा क्योंकि बोर हो गया है मॉल में घूम घूम के। आपने देखा होगा ब्लॉग में ही मैं 3-4 बार आ गया हूँ यहाँ शॉपिंग करने के लिए, तो फटाफट से लिए कपड़े, बिलिंग करवाई और आ गया बाहर। यहाँ पर ना एक फ्रॉड सा लगता है रिलायंस में, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट के लिए अगर जियो का सिम है ना वही फास्ट चलेगा, बाकी एयरटेल वोडाफोन वगैरह सारे इतने स्लो चलते हैं ना, बाहर जा कर पेमेंट करनी पड़ती है। तो प्रेफर करो यहाँ आ रहे हो तो कैश लेके आओ। और मौसम अच्छा नहीं हुआ भाई, मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा ब्लॉग बनाने में और अभी शाम के 7:45 बज रहे हैं, जाके एडिट भी करना है अपलोड भी करना है, तो फटाफट से घर चलते हैं।
सो इस घर तो आ चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज व्लॉग कंप्लीट करने में थोड़ा लेट हो गया, फटाफट से बैठा हूँ एडिटिंग करने के लिए और करूँगा वीडियो को अपलोड। तो चलो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अवेलेबल।